जैसे वास्तु की अगर हम बात करते हैं, वास्तु में जैसे हम डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज करते हैं, ऐसे ही फेंग शुई में धन संपत्ति के लिए बहुत सारे उपाय हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपनी लाइफ में धन और समृद्धि के लिए कर सकते हैं। उसमें से 10 आपको मैं आज ऐसे उपाय देने वाला हूँ, 10 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, अगर आप ये करते हैं तो अपनी लाइफ में आप धन और समृद्धि को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बेनिफिट ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग 10 फेंग शुई के कभी ना फेल होने वाले उपायों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, सो दैट आपको और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लाफिंग बुद्धा। तो लाफिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति या लाफिंग बुद्धा, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम या ऑफिस में रखने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है और घर में प्रसन्नता रहती है। इसका पेट जो है वो भरपूर संपदा का प्रतीक है। दूसरा है हमारा एजुकेशन टावर। अगर आप एजुकेशन टावर को स्टडी रूम में या ऑफिस टेबल पर रखते हैं तो इससे बेनिफिट होता है, व्यापार में लाभ होता है और कोई भी विद्यार्थी उसको सफलता मिलती है। और ये सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी और एकाग्रता प्रदान करता है। तीन टांग वाला मेंढक, नेक्स्ट एनर्जी। धन की वृद्धि के लिए इसको भाग्यशाली माना गया है। इसको घर के अंदर मुख्य द्वार के आसपास रखना चाहिए, अंदर की तरफ देखता रहे ऐसे रखना चाहिए। अगर आप ये रेमेडी करते हैं इसकी, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो देखे गए हैं। नेक्स्ट रेमेडी जो हमारे लिए है, इस रेमेडी को करने से लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज आते हैं। चीनी सिक्के, धन संबंधी भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए या भाग्य को सक्रिय करने के लिए चीनी सिक्कों का प्रयोग करना भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रभावशाली माना गया है। इन्हें तिजोरी में या अलमारी में रखने से आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारा कछुआ, कछुए का उपाय। आयु को बढ़ाने वाला, जीवन में रेगुलर प्रोग्रेस के इवेंट्स आपको या अवसर, शुभ अवसर देने वाला जीव माना गया है कछुआ। पानी से भरे हुए कटोरे में धातु के कछुए को घर के ब्रह्म स्थान की तरफ या घर के अंदर की तरफ रखने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट उपाय है हमारा क्रिस्टल का ग्लोब। अगर आप क्रिस्टल का ग्लोब अगर अपने घर पे रखते हैं तो इससे आपकी संपत्ति और सफलता दो चीजों का सूचक माना गया है। शिक्षा और ज्ञान में भी वृद्धि करता है और ये आपको अपने घर या ऑफिस के उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्रिस्टल का ग्लोब। नेक्स्ट उपाय है हमारा सटीक के गोले। सटीक के गोले से बेडरूम का दक्षिण पश्चिम कोना सक्रिय होता है। ये लोगों के साथ संबंधों में सुख शांति बनाकर लाता है। अगर मैरिड लाइफ में दिक्कत है तो भी कर सकते हैं, और बिजनेस में अगर आपकी रिलेशंस में दिक्कत आ रही है तो भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपाय विंड चाइम्स, या इसको चीनी घंटियां भी कहा जाता है, इसके नाम से भी जाने जाते हैं। वास्तु दोष दूर करता है ये, संपत्ति, सौभाग्य और खुशहाली के नए रास्ते आपके लिए खोलता है अगर आप ये विंड चाइम्स लगाते हैं तो। नाइन्थ, सेकेंड लास्ट, हमारी जो रेमेडी है, उपाय जो है, ये ड्रैगन से संबंधित है। तो ये उत्तम ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ये चाइनीज वास्तु के साथ जुड़े हुए उपाय हैं जो फेंग शुई के हैं, इसीलिए यहाँ पर ड्रैगन वगैरह का यूज किया गया है या चीनी वर्ड का यूज किया गया है। तो ये उत्तम ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जो भी आपके बिजनेस के एरियाज हैं वहां पर ड्रैगन को जरूर रखना चाहिए। लास्ट है हमारा लुक, बुक और साउ। ये बहुत ज्यादा उच्च श्रेणी, समृद्धि और दीर्घायु के देवता हैं और इनकी पूजा नहीं की जाती है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और इनको अपने ऑफिस में आप जरूर रखिए, इससे बेनिफिट जरूर होगा। तो ये थे हमारे फेंग शुई के 10 ऐसे उपाय जो कभी भी फेल नहीं होते। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी लाइफ में सुख समृद्धि, धन संपत्ति का जो इंक्रीज है, बढ़ोतरी जो है वो जरूर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत जल्दी किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।